उज्जैन के देवास रोड स्थित एक निजी स्कूल पर फीस के नाम पर बच्चों को परीक्षा से वंचित करने का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चों के पिता हितेंद्र चौहान स्कूल पहुंचकर धरने पर बैठ गए। हितेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि उनका बेटा पांचवी में वो बेटी आठवीं क्लास में पढ़ती है। पहली क्लास से वे फीस जमा करते आए हैं। इस बार आर्थिक संकट आ गया, बावजूद इसके 3 किश्त जमा कर चुके हैं, केवल 32,000 रुपए भरना शेष है। स्कूल प्रबंधन से निवेदन किया कि चेक ले लीजिए और 1 माह का समय दे दीजिए, पूरी फीस जमा कर दी जाएगी। स्कूल प्रबंधन ने मना कर दिया। खास बात तो यह रही कि शुक्रवार से बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है। जब दोनों बच्चे परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया। बच्चों ने अपने अभिभावक को फोन लगाया, अभिभावक भी स्कूल पहुंचे और धरने पर बैठ गए। जैसे तैसे स्कूल प्रबंधन ने आज की तो परीक्षा ले ली, परंतु अगले पेपर में बैठाने से मना कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि बच्चों के पिता ने जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर व प्रतिनिधियों को भी इस मामले में अवगत करा दिया है। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। मुझे क्लास टीचर और ये लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे रहे 1 घंटे से विजिटर रूम में बैठा के रखा था। और मैंने मैम से बोला कि मैम कॉल करना, तो मैम ने बोला कि कॉल नहीं करना है, पूछ के बताते कॉल करना है कि नहीं करना है। और ये बोल रहा है कि बड़े बड़े अधिकारियों के लिए तुम्हारे लिए फ़ोन आता रहता है। और मेरी अम्मी बाहर खड़ी तो मेरे को ये भी बोल जाने भी नहीं दिया उनके पास, और बिना परमिशन के हमारे लिए हॉट पास बना के हमको नीचे भेज दिया और एग्ज़ाम रूम में बैठने नहीं दिया। सर, कल हमारी बात हुई थी, मैं इनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस का मैटर है जो कि हम लोग अभी जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके लिए हम समय चाह रहे थे कि हम 1 महीने का हमें या 15 दिन का जो भी हो समय मिल जाए और इन बच्चों को एग्ज़ाम दे देनी जाए। मैंने मेरी तरफ से जो हो सकता था वो मैंने कहा कि सर आप चेक ले लीजिए, मुझसे तो चेक भी नहीं ले रहे हैं वो, और चेक अगर मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बोले आज की तारीख का चेक चाहिए। और मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी उनके नॉलेज में डाल दिया था, है ना, कलेक्टर साहब के यहाँ से डाल दिया था, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन लग गया, उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आप फीस जमा करिए, उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तभी आपको इनको बच्चों को एग्ज़ाम देने दी जाएगी, नहीं तो नहीं देने दी जाएगी।